एवरीवन, आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगला लेक्चर करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग इपिडिडाइमस, स्पर्मेटिक कोड और उसके बाद वसा डिफरेंस और साथ ही साथ उस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो तीन ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेमेनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो इन चारों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर से आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले इपिडिडाइमस पढ़ेंगे। तो हम पहले स्ट्रक्चर से देखते हैं इपिडिडाइमस कहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स से जो ये यहाँ पे ट्यूब निकलती है उसको बोलते हैं इफ्रेंट टिब्यूल्स या फिर वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया से फिर जो यहाँ पे जो ट्यूब निकलती है इसको हम बोलते हैं इपिडिडाइमस। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होती है इपिडिडाइमस, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, मिडल पार्ट यानी बॉडी, और उसके बाद आती है टेल। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, टेल, हेड, बॉडी एंड टेल, यानी थ्री पार्ट्स में डिवाइड की गई है इपिडिडाइमस को। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ, उसके बाद क्या होती है वासा डिफरेंसिया, यानी वासा इफ्रेंसिया, सॉरी इफ्रेंट टिब्यूल्स और साथ में इफ्रेंट टिब्यूल्स और वासा इफ्रेंसिया के बीच, डिफरेंसिया के बीच में जो आती है ट्यूब उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इपिडिडाइमस। इफ्रेंट टिब्यूल्स और वासा इफ्रेंसिया, ये क्या है, वासा डिफरेंसिया, इसके और इसके बीच में वासा डिफरेंस और ये इफ्रेंट टिब्यूल्स, इसके बीच में जो आती है वो होती है हमारी इपिडिडाइमस। ठीक है, तो अब वो इपिडिडाइमस के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इपिडिडाइमस जो होती है इसकी शेप कैसी होती है, कॉमा शेप होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा इसका शेप ऐसे करके ऐसे था, यहाँ पे इसकी बॉडी थी और सॉरी ये हेड था और ये बॉडी थी और ये इस तरह से टेल था, फिर यहाँ पे वासा डिफरेंसिया था। ठीक है, तो ये इस तरह से एक कॉमा लाइक शेप होती है। ठीक है, हाईली क्वाइल्ड होती है, अभी देखा था हमने कि ये बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग यहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होती है, तो हाईली क्वाइल्ड होता है। लोकेशन, एलॉन्ग पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस। अब ये हमारा जो टेस्टिस होता है वो इस तरह से जो ट्यूब होती है और यहाँ से इस तरह से निकल रहता है। ठीक है, तो ये होती है एंटेरियर पोर्शन, ये होती है पोस्टेरियर। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरी वाली जो टेस्टिस होती है वहाँ से इस तरह से निकला होता है इपिडिडाइमस वगैरह। ठीक है, इस तरह से, तो ये एक, ये इंटेरियर हो गया, ये पोस्टेरियर। ठीक है, यहाँ पे पेनिस होती है, तो ये इंटेरियर पोर्शन होता है, अंदर वाली पोर्शन, ये पोस्टेरियर बाहर वाली पोर्शन। ठीक है, तो ये पोस्टेरियर साइड होता है, ध्यान रखिएगा, पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इंटेरियर की पोस्टेरियर। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये इंटेरियर पोर्शन होता है और इसके बाहर से इपिडिडाइमस निकल के जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा पोस्टेरियर साइड। ठीक है, पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इसका लोकेशन। इपिडिडाइमस की लेंथ कितनी होती है, 20 फीट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ इपिडिडाइमस, अभी हमने देखा पार्ट्स इसका, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड जो था वो हाईली क्वाइल्ड था, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे, देखिए जो ये हेड पोर्शन ये काफ़ी ज़्यादा क्वाइल्ड है, हाईली क्वाइल्ड है। ठीक है, अटैच टू वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था वासा इफ्रेंसिया से अटैच होता है और ये अपेंडिक्स ऑफ इपिडिडाइमस, इसे इपिडिडाइमस का अपेंडिक्स बोला जाता है। जिस तरह से GI ट्रैक में अपेंडिक्स होता है, मतलब हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे क्वाइलिंग ज़्यादा होती है, ठीक उसी तरह एक तरीके की इसे अपेंडिक्स ऑफ इपिडिडाइमस बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है कि MCQs वगैरह में कभी आपसे पूछा जाए कि अपेंडिक्स ऑफ इपिडिडाइमस किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं हेड को। ठीक है, बॉडी मिडिल पार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद टेल होती है जो कि वासा डिफरेंस से कनेक्टेड होती है, उसके बाद मतलब यहाँ से जो इस तरह से आया और यहाँ पे ये टेल वाला जो पोर्शन हुआ वो आगे वासा डिफरेंस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्पर्मेटिड कोड। ठीक है, स्पर्मेटिड कोड इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्क्रॉटम होती है, ठीक है, स्क्रॉटम हम लोगों ने देखा कि टेस्टिस को कवर करके रखती है, आउटर इन्वायरमेंट मतलब एब्डोमिनल पार्ट से बाहर होती है। ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट से बाहर होती है, तो स्क्रॉटम में टेस्टिस प्रजेंट होता है, लेकिन उसको होल्ड कौन किए रहता है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो कि टेस्टिस को बॉडी से कनेक्ट कर रही होगी। ठीक है, इंटरनल बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर रही होगी टेस्टिस को, तो उसको होल्ड करके जो रखती है स्पर्मेटिड कोल्ड, इसको मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यहाँ पे स्क्रॉटम है, ये स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम में इसको होल्ड करके रखती है टेस्टिस को, पकड़ के रखती है। ठीक है, हैंग करके रखती है, एक तरह से हैंगर का काम कर रही है, हैंग करके रखती है ताकि ये कहीं मतलब बॉडी से डीअटैच ना हो जाए, बॉडी से अलग ना हो जाए, इसको हैंग करके रखती है। ठीक है, और यहाँ पे होता है इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, आपको एक चीज़ इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ मैं, कि शुरुआत में जब फीटस होता है, ठीक है, शुरुआत में जब फीटस होता है
तो उस फीटस में जो ये टेस्टिस होता है ना, वो टेस्टिस बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, बॉडी के अंदर रहता है, लंबर रीजन जो है पीछे में वर्टिब्रा, लंबर रीजन में इस टेस्टिस का ग्रोथ होते रहता है। लेकिन जैसे ही वो सेवेंथ मंथ आता है ना, सेवेंथ और नाइन्थ मंथ के बीच में, ठीक है, जब फीटस सेवेंथ और नाइन्थ मंथ के बीच में ये जो टेस्टिस होता है बॉडी से बाहर निकल के, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल, यहाँ पे जो थ्री बोन्स होते हैं हमारे, ये वेस्ट बोन्स जो होते हैं यहाँ पे, इसिमिया प्यूबिस जो बोन होते हैं, वहाँ पे जो इंग्वाइनल कैनाल होता है, ठीक है, वहाँ से ये निकल के नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ आता है तो एक ट्यूब होती है जो कि इसको ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ लाती है, ठीक है। इस ट्यूब को जो होल्ड करके उसको पकड़ के रखती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड कोड, ठीक है। इस स्पर्मेटिड कोड में क्या क्या चीज़ें रहती है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि वासा, यहाँ से देखेंगे इपिडीडाइमस हो गया, ये इपिडीडाइमस के बाद अभी हम लोगों ने देखा कि इपिडीडाइमस किससे अटैच होता है, वासा डिफरेंस से, ठीक है, वासा डिफरेंस है, यानी इसमें वासा डिफरेंस होता है, साथ साथ आर्टरी भी होते हैं, वेंस भी होते हैं, लिम्फ वेसल होते हैं और नर्व्स होते हैं, इन सबको मिलाकर स्पर्मेटिड कोड बनता है, ठीक है। एक ट्यूब लाइक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर वासा डिफरेंस, आर्टरीज, वेंस, लिम्फ वेसल्स, नर्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इस टेस्टिस को होल्ड करके रखती है स्क्रॉटम में, ठीक है। देखिए वो चीज़ जो मैं बता रही थी, इन फिटस बच्चों में जब फिटस का डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है वो लंबर रीजन में होता है, ठीक है। लंबर जो बोन होती है हमारी पीछे वर्टिब्रा कॉलम में, उस रीजन में टेस्टिस का ग्रोथ होता है। दे डिसेंड थ्रो द, डिसेंड मतलब नीचे की तरफ आना, ठीक है, फिर उस लंबर रीजन से वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, इंग्वाइनल कैनाल से स्क्रॉटम में आना शुरू कर देता है। वो सेवेंथ मंथ में धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और नाइन्थ मंथ में कंप्लीटली वो स्क्रॉटम आके आ जाता है। नाइन्थ मंथ में कंप्लीटली स्क्रॉटम में टेस्टिस आ जाता है। वो किस किस कैनाल के थ्रू आता है, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, समझ आई बात, याद रखिएगा ये वाला चीज, ठीक है। वासा डिफरेंस, ठीक है, कि इपिडीडाइमस जो अटैच थी आगे वासा डिफरेंस से, तो ये थीक मस्कुलर ऑर्गन होती है, ठीक है, मस्कुलर ट्यूब होती है जबकि वासा डिफरेंस से आगे की तरफ अटैच होती है, ठीक है, इपिडीडाइमस से आगे की तरफ वासा डिफरेंस से अटैच होती है। स्टार्ट फ्रॉम इपिडीडाइमस से स्टार्ट होती है और ये जाके कहाँ पे ओपन होती है, सेमाइनल वेसाइकल्स में, डक्ट में, सॉरी ग्लैंड में, यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में, यहाँ से हमारा ये क्या है, वासा डिफरेंस है, क्या है ये ट्यूब, क्या है वासा डिफ, इपिडीडाइमस खत्म हो गया, इपिडीडाइमस से यह स्टार्ट होती है, इपिडीडाइमस यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद आती है वासा डिफरेंस, ये ट्यूब जाती है, ट्यूब अंदर की तरफ जाती है और ये अंदर जाके मैं स्ट्रक्चर एक दिखला रही हूँ आपको, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखिए कि यहाँ से वासा डिफरेंस, ये रहा वासा डिफरेंस, ठीक है, ये इपिडीडाइमस खत्म हो गया, ये इपिडीडाइमस हो गया, यहाँ से वासा डिफरेंस जो है ये जा रही है ऊपर की तरफ, जाती है ये यूरिनरी ब्लैडर से, लंबी ट्यूब होती है यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये यहाँ पे आती है, सेमाइनल वेसाइकल हो गया, सेमाइनल वेसाइकल से वेसाइकल्स में आके ओपन हो जाती है, सेमाइनल वेसाइकल डक्ट बोलते हैं, ठीक है, सेमाइनल डक्ट बोलते हैं। ये जो ग्लैंड है इसके ग्लैंड की डक्ट से आके ये पीछे की तरफ से अटैच होती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आती है, ठीक है, क्योंकि सेमाइनल वेसाइकल जो होती है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होती है तो वहाँ पे जाके पीछे की तरफ से ये अटैच होती है वासा डिफरेंस, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह स्टार्ट हो रही है इपिडीडाइमस से और जाके अटैच कहाँ हो रही है, सेमाइनल वेसाइकल में, और वहाँ जाके आगे मैं बताऊँगी इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, मैं इसके बारे में आगे बताऊँगी कि कैसे इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि जो हम परमानेंट कंसेप्शन की बात करते हैं कि अब आगे बच्चे ना पैदा करने का या फिर स्पर्म जो भी बन रहा है स्क्रॉटम में या फिर टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है वो आगे मतलब ना जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टॉमी, ठीक है, वैसेक्टॉमी। जिस तरह से फीमेल स्टरलाइजेशन की जाती है, परमानेंट स्टरलाइजेशन होती है, क्या होती है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट है। फीमेल में परमानेंट स्टरलाइजेशन करते हैं ट्यूबेक्टॉमी और इसमें जो मेल में जो परमानेंट स्टरलाइजेशन करते हैं उसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो वासा डिफरेंस है ना इसको काट के दो अलग अलग पार्ट में कर दिया जाता है और इसको स्टिच कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ से छोटा सा पार्ट कट करके निकाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी स्पर्म बन रहा है ना वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने की चांसेस कम हो जाती है। कम क्या, बिल्कुल परमानेंट है तो मतलब ना के बराबर हो जाती है, ठीक है।
और स्मॉल इंसीजन किया जाता है थ्रू द स्क्रॉटम। इसका जो सर्जरी होती है एकदम छोटी सी इंसीजन की जाती है और इसकी जो सर्जरी होती है स्क्रॉटम के थ्रू होती है, ठीक है। स्क्रॉटम में हल्की सी चीरा लगा के वहाँ से फिर इसमें सर्जरी की जाती है और यहाँ वहाँ से वासा डिफरेंस को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है और दो अलग अलग पार्ट में वासा डिफरेंस को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से ज्वाइन ना हो सके, और ज्वाइन नहीं होंगे तो वहाँ से स्पर्म जो बन रही है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें परमानेंट स्टरलाइजेशन मिलता है, ठीक है, समझ आई। अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, जो कि थ्री ग्लैंड्स हैं इसमें, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं सेमिनल वेसाइकल्स के बारे में, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल जो ग्लैंड होती है वो थीन वॉल्ड होती है और पियर सेप होती है, नाशपाती की तरह इस तरह से ऐसे इसकी सेप होती है, ठीक है, थोड़ी ऐसे पियर सेप होती है, ठीक है। लाई बिटवीन फंडस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ये रेक्टम यूरिनरी ब्लैडर और पीछे जो रेक्टम होती है उसके बीच में लाई करती है, ये आप देखिए, ठीक है, ये हमारा हो गया रेक्टम, रेक्टम, ठीक है, और ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर, इन दोनों के बीच में लाई करती है, यानी हमारा सबसे आगे होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होती है सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल के पीछे होता है रेक्टम, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। सबसे आगे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, सबसे आगे यूरिनरी ब्लैडर, फिर सेमिनल वेसाइकल, फिर उसके बाद यहाँ आती है रेक्टम आती है, ठीक है, इस तरह से इसका पोजीशन होता है, ठीक है, कहाँ पे होती है। अब ये क्या करता है, सेमिनल वेसाइकल सिक्रीट थिक अल्कलाइन फ्लूड, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल क्या फॉर्मेशन करता है, ये थिक अल्कलाइन फ्लूड, अल्कलाइन बेसिक फ्लूड रिलीज करता है, यानी एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। मिक्स विथ स्पर्म, जो यहाँ से स्पर्म बन के आ रही है, टेस्टिस से जो स्पर्म बन के आ रही है, जो वासा डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस जो है लेके आ रहा है, वास डिफरेंस जो स्पर्म को लेके आ रहा है, और साथ में यहाँ से माइनल वेसाइकल से जो थिक अल्कलाइन फ्लूड बन रहा है उसके साथ ये मिक्सअप हो जाता है दोनों, स्पर्म और वहाँ से जो सेमिनल वेसाइकल से जो फ्लूड निकल रही है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद वो मिक्स होने के बाद वो क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीमेन। वैसे सीमेन में और भी चीज़ें इंक्लूड रहती है, स्पर्म और सिर्फ सेमिनल वेसाइकल्स का फ्लूड नहीं, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जो चीज़ें रिलीज होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो चीज़ें रिलीज होती है वो सब मिल के क्या बनाती है, सीमेन बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है, सीमेन। लेकिन जो सेमिनल वेसाइकल है वो स्पर्म को स्टोर नहीं करता है, स्पर्म के साथ वो कुछ ऐसे फ्लूड दे देता है जिसकी वजह से स्पर्म को भोजन मिलता है, वो जीवित रहता है और साथ साथ वो उसको पास करने में, आगे उसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, लुब्रिकेशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर में, जरा सा स्ट्रक्चर में देख लीजिए, फिर इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बताऊँगी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस पीछे की तरफ से आया, ये हुआ क्या सेमिनल वेसाइकल, और सेमिनल वेसाइकल का ये डक्ट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमिनल डक्ट। अब यहाँ सेमिनल डक्ट में आके ये वास डिफरेंस ओपन होता है, यहाँ पे वास डिफरेंस ओपन हुआ, फिर ये वास डिफरेंस आगे की तरफ जाता है, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट को मिला के जो डक्ट बनती है, ठीक है, वास डिफरेंस याद रखिए, वास डिफरेंस और सेमिनल डक्ट को मिला के जो डक्ट बनती है उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट, क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस और सेमिनल डक्ट, ठीक है, दोनों को मिला के, दोनों जब मिलते हैं उसके बाद जो आगे डक्ट बनती है उस डक्ट को हम बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। ये इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है आगे की तरफ पास होती है, आगे की तरफ ये इजाकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड को भी कवर करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होती है नीचे की तरफ, जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड फिर उसके नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आता है उसके नीचे जब पास करती है तो लास्ट में बनाती है ये यूरेथ्रा, क्या बनाती है, यूरेथ्रा, ठीक है, ये क्या होती है, यूरेथ्रा, ठीक है, समझ आई। इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट सेमिनल वेसाइकल डक्ट और साथ साथ वास डिफरेंस जब मिलता है तो वहाँ पे जो डक्ट बनती है उस डक्ट को इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये इजाकुलेटरी डक्ट आगे भी मूव करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से मूव करती है जिसको हम लोग बोलते हैं, आगे जब आगे की तरफ इजाकुलेटरी डक्ट जाती है तो उसे हम यूरेथ्रा बोल देते हैं, ठीक है। इसी इजाकुलेटरी डक्ट से सारी सीमेन पास होती है, ठीक है, सीमेन पास होती है, सीमेन में क्या क्या चीज़ हो गई, सेमिनल वेसाइकल का निकला हुआ फ्लूड, इधर से स्पर्म जो आता है वो, और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूड, और साथ में यहाँ पे होती है हमारी नीचे की तरफ, इसके नीचे होती है हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो फ्लूड निकल रहा है, सारी जो फ्लूड होती है वो मिला के क्या बन जाती है, सीमेन बनती है, ठीक है, सीमेन।
अब यहाँ पे देखिए इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकल कनेक्ट्स विथ वास डिफरेंस, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल का जो डक्ट है और साथ में वास डिफरेंस का जो डक्ट है, दोनों साथ में जब कनेक्ट होते हैं तो इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। विच पास थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड, वो आगे प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, ओपनिंग ऑफ, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, ये मैंने जो गोल सर्कल से मार्क किया ब्लैक पेन से, ये जो गोला होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? प्रोस्टैटिक यूट्रिकल, ठीक है। और ये डक्ट के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। ये हमारा डक्ट हो गया ना, इधर साइड प्रोस्टेटिक ग्लैंड, इधर साइड प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ठीक है। वास डिफरेंस इस टेस्टिस से भी निकल के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी हो गई, ये यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट आया, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये दोनों डक्ट आपस में, ये हो गई सेमाइनल वेसाइकल, ये हो गई सेमाइनल वेसाइकल, और ये हो गई वास डिफरेंस, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ भी होती है, यहाँ पे होती है हमारी सेमाइनल वेसाइकल, इधर से ये टेस्टिस हो गया, यहाँ से ये डक्ट आ रही है, ये दोनों डक्ट मिल के आपस में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सेमाइनल वेसाइकल हो गया और ये डक्ट हो गया, ठीक है, वास डिफरेंस। तो ये दोनों साइड आके दो यूट्रिकल्स बनाते हैं, दोनों जहाँ ओपनिंग होती है इजैकुलेटरी डक्ट की प्रोस्टेट ग्लैंड में, उसको, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, ठीक है। ये दोनों जो डक्ट आ रहे हैं, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, ओके। समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, चाहे मतलब आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिक्रीट करता है मिल्की थिन फ्लूइड, ठीक है। जिस तरह से ये सेमाइनल वेसाइकल था वो थिक फ्लूइड को रिलीज करता था, वो थिक फ्लूइड को करता था, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो थिन फ्लूइड को सिक्रीट करती है, ठीक है। ये थिन फ्लूइड को सिक्रीट करती है जिसमें क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है, वैसी एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि फ्लूइड को थिक बना के रखती है, ठीक है, जिसकी वजह से सीमेंट जो है वो थिक बना रहता है, थोड़ी मोटी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, उसका जो गढ़ापन बना रहता है, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड है, याद रखिएगा कि जो मेल जो तीन ग्लैंड है उसमें सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है। ये फाइबर्स और मस्कुलर ग्लैंड होती है, ठीक है, फाइबर्स और मसल से बनी होती है, और साथ में इसमें बहुत सारी ग्लैंड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पोजीशन नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कहने का मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और यहीं पे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इस रीजन को क्या बोलते हैं? नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यहीं पे होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इन्वर्टेड शेप का होता है, कोन इस तरह का होता है, ऊपर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन कोन को हम जब उल्टा कर दें तो ये इन्वर्टेड कोन इसका शेप होता है, ठीक है। इट्स एट द वॉल्यूम ऑफ सीमेन, ये भी सीमेन के साथ ये एड ऑन हो जाता है। सीमेन में भी क्या क्या चीज़ें आई थी? ऊपर से स्पर्म आई थी और सेमाइनल वेसाइकल से थिक फ्लूइड आए थे, अल्कलाइन थिक फ्लूइड, और उसके साथ ये जो मिल्की थिन फ्लूइड है वो भी ऐड हो जाता है, ठीक है, उसके साथ आ जाता है। इसीलिए सीमेन और सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? सिक्रीशंस ऑफ सेमाइनल वेसाइकल्स, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशंस होता है और साथ साथ उसमें स्पर्म होती है, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? सेमाइनल फ्लूइड या फिर सीमेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी दो कवरिंग होती है, इनर कनेक्टिव टिश्यू की होती है, बाहर पेल्विक फैसिया, ठीक है, बाहर वाली पेल्विक फैसिया, अंदर कनेक्टिव टिश्यू का, दो कवरिंग होती है। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, अब हमारा ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, इसे कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास ऑन होती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आती है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है, इस यहाँ पे इस ये इतना दूर का, इतना दूर के यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है, ये बस इतनी ट्यूबिंग को, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऊपर से जो इजैकुलेटरी डक्ट आ रहे हैं, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट आके यहाँ पे वो जो ओपन हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोले थे? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, क्या बोले थे? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। और साथ में यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट भी आ रही है, तो इससे तीन स्ट्रक्चर जो होती है वो अटैच होती है, पास होती है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इधर से इजैकुलेटरी डक्ट आके ओपन होती है, तो इस ओपनिंग को प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी दोनों आपको मैंने बता दी, क्या रिलीज करता है, ठीक है। अब आते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड,
ये जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे होती है इस भी, ये भी पेयर में होती है। इसमें सारी जो ग्लैंड होती है ना मेल में, वो सब पेयर में होती है, सब दो दो परसेंट होती है, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल भी दो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी दो होती है, और साथ साथ बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड भी दो होता है, ठीक है। ये लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, बाय विच इजी पास ऑफ थीक सीमेन, क्योंकि हमारा जो सीमेन है वो काफ़ी थीक होती है, तो उसको पास करने के लिए लुब्रिकेट कर देता है, चिकना कर देता है, ताकि वो इजीली पास हो सके, यूरेथ्रा से वो जो सीमेन है इजीली पास होकर बाहर निकल सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, ये सारे ग्लैंड्स थे और एपिडिडाइमस जो भी स्ट्रक्चर बचा हुआ था एनाटॉमी का, वो मैंने ख़त्म कर दिया इसमें। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।